आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है? अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, द डिपेंडेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन इट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इज करेक्टली गिवन बाय ग्राफ। ओके, ग्राफ्स आर सिमेट्रिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो कोई पार्टिकल है, ओके, इसका मास m, क्यू मान लेते हैं, इसका चार्ज जो है वो क्यू मान लेते हैं, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, और इनिशियली जो है वो रेस्ट है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है अपने को बताना है। ओके, नाउ अगर कोई पार्टिकल है वी स्क्वायर इक्वल्स टू, कोई पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसके इक्वेशंस कैसे दिए जाते हैं? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स के बराबर। ओके, ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ओके, तो या ये अपना यूज में आएगा। ओके, जैसे इक्वेशन वन मान लेते हैं, तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रहा है, ओके, तो फोर्स जो लगेगा एफ बार किसी भी टाइम टी पे, ये लगेगा एफ बार इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई बार। ओके, क्यू टाइम्स ई बार, तो एफ एक्स जो है वो क्यू ई एक्स लगेगा। ओके, नाउ एफ एक्स जो है वो क्यू इंटू ई इंटू ई अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। ओके, ई जो है जिस डायरेक्शन में ई है, इस डायरेक्शन में ई मान लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में एक्स है, ऐसा मान ले। ओके, नाउ एफ एक्स जो है वो क्यू एक्स के बराबर है, तो इसे मास से डिवाइड कर देंगे, एफ एक्स बाई एम, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, ये जो है एक्सेलरेशन आ गया, तो वी स्क्वायर जो है आ रहा है यूनिफॉर्म, ये इनिशियली जो है वो रेस्ट पे, तो ये जीरो स्क्वायर प्लस टू ए का वैल्यू है क्यू ई बाई एम। ओके, ई एक्स को ई मान रहे, ओके, इंटू एक्स, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू टू क्यू ई बाई एम इंटू एक्स, ऐसा लिखेंगे। देखो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, उस पार्टिकल का चार्ज जो है वो चेंज नहीं कर रहा, और उसका मास भी है कांस्टेंट है, तो ये जो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स है। ओके, वी स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, नाउ इसे हाफ एम से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये आएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर जो है वो टू क्यू ई बाई एम एक्स, ये एम गया, ये टू गया, तो ये आया बेसिकली क्यू ई एक्स के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ई एक्स, तो के ई जो है इक्वल्स टू क्यू ई टाइम्स एक्स। देखो ये जो ग्राफ है ये वाई मान लेते हैं, ये एम मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो एम जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा होता है। तो ये जो है अपना सही आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।